मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अली है, मैं जिला अस्पताल कराची में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन का हूँ। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर आर्मी दिन बनाए डायबिटीज के तौर पे मनाया जाता है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसके मनाने का जो मकसद है वो इस बीमारी के बढ़ते हुए तनासब के मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करना है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को असर करती है और जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं उनको अफेक्ट करती है। इस बीमारी के बढ़ते हुए तनासब को देखते हुए इसे बचाव की तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं और जो लोग इस मर्ज से मुबतला हैं उनका बेहतर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बचाव के लिए हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना और कुछ तब्दीलियाँ लाना बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें कसरत से जो है वर्जिश करना और फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के अंदर टाइम लगाना, आधा घंटा डेली और अगर 45 मिनट या 1 घंटा हो तो बहुत बेहतर है। इसमें आप किसी किस्म की फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें और खाने पीने में मुतनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ यकीनन गुर्बत इस मुल्क में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इवन इसको देखते हुए भी हमारे यहाँ खाने पीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसको एक तनासब के साथ खाना यकीनन सेहत की ज़मानत है। और जिन लोगों को ये मर्ज की तशख़ीस हो चुकी है उनको अपना बेहतर इलाज करना है। इलाज के लिए वर्जिश, दवा और परहेज़ तीनों की अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसकी अहमियत है और कोई एक चीज़ की दूसरी चीज़ को रिप्लेस नहीं करती है। तीन चीज़ों के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। और जिन लोगों में तशख़ीस नहीं है उनको वक्तन फ़वक्तन अपना टेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की जल्दी अगर तशख़ीस हो और बेहतर इलाज हो तो इसकी पेचीदगी से बचा जा सकता है। शुक्रिया।